सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से एक होम रेमेडीज लाई हूँ जो है ग्लोई स्किन के लिए। तो मैं बस अभी इसको लगाने ही जा रही थी तो बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर क्यों नहीं करनी चाहिए जब आप मेरी फैमिली हो। तो गाइस, अगर आप लोगों को नेचुरली ग्लो चाहिए अपनी स्किन पर तो आप ये इस होम रेमेडीज़ को एबल ट्राई करके देखना। मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। एंड ज़्यादा आप लोगों को कुछ चीज़ प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बस दो चीज़ की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि एक चीज़ तो ये हमेशा आप लोगों के घर में रहते ही रहता होगा, एंड ये चीज़ नहीं भी रहता होगा तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, बट आई थिंक कि आप लोगों के घर में भी रहता होगा। एंड बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एंड आप लोगों को भी मालूम है कि बनाना स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एंड हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो चलो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को इस होम रेमेडीज को बनाना है, एंड कैसे अप्लाई करना है, एंड कितनी देर आप लोगों को रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, केला, बहुत ही पका हुआ केला। गाइस, आप जितना पका हुआ रहे उतना अच्छा है, बट मेरा केला उतना पका हुआ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आपको अच्छे से मतलब ये मैश हो जाएगा। तो चलो मैं इसको इतनी क्वांटिटी में ले लेती हूँ, एंड इसको बहुत ही अच्छे से इसको मैश कर लेती हूँ, जस्ट लाइक दैट गाइस, जस्ट आपको ऐसा करना है। तो ये देखिए, ये मैश हो गई है, एंड इसमें हम 1 स्पून मलाई डालेंगे। तो ये है मलाई दूध का छाली का, तो इसमें 1 स्पून डालेंगे मलाई। एंड आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सरसों तेल है, बट गाइस ये हनी है, आप ये देखो ये हनी है गाइस। तो इसको भी मैं लूँगी 1/2 चम्मच के करीब। जिन लोगों को हनी सूट नहीं करती है आप यहाँ पे सिर्फ मलाई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्सअप करेंगे। तो ये हमारा पेस्ट रेडी है गाइस, ये देखो बहुत ही अच्छे से हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। एंड इसको अप्लाई करेंगे, तो मैं आप लोगों को अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपके ये जो इस आप अपने जब चेहरे में लगाओगे तो जस्ट आप ऐसा लगाना, और उसके बाद आप इसको ऐसे लगाने के बाद जब तक से ये सूख नहीं जाए, 5 से 10 मिनट के लिए सूख नहीं जाए तब तक से आप इसको वॉश नहीं करना। और ये जब सूख जाएगा तो हल्के हाथों से पानी लेकर इसको ऐसे 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 करते हुए इसको निकाल लेना है। सो गाइस, ये देखो मैंने अपनी स्किन में लगाया और तुरंत मुझे लगा कि ग्लो ही सा स्किन लगने लगा, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है ना, बट गाइस आप लोग बताना, ग्लो ही सा पूरा स्किन लगने लगा। सो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा होम रेमेडीज़? अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हो गाइस, एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड 100% रिजल्ट इसका आता है। सो चलो, आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा मेरा वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक होम रेमेडीज़ के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइज़।